यूपी में फिर बिगड़ा मौसम, इन जिलों में गरज के साथ हुई बारिश। समय से पहले मानसून आने पर यूपी के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश जारी है। बारिश के चलते कई जिलों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। यूपी के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार तुर्तीपुर जिला, बलिया, अंकिंग घाट, कानपुर देहात, बिजनौर, छतनांग, प्रयागराज, तिरपा, कन्नौज, पट्टी, प्रतापगढ़, पुरसदगंज, अमेठी, जलालाबाद, शाहजहांपुर, अमरोहा, रामनगर, बाराबंकी, चंदौली, सलेमपुर, देवरिया व वाराणसी सहित अन्य स्थानों पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई। इसी बीच वाराणसी संभाग, कानपुर, लखनऊ और झांसी में दिन के तापमान में वृद्धि हुई है। राज्य के अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज किया गया, जबकि इससे कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नजीबाबाद में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में कहा है कि मंगलवार को राज्य में विभिन्न स्थानों पर बारिश व गरज के साथ बारिश की होने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार और बृहस्पतिवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्थानों पर बारिश व बिजली के साथ हल्की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं बुधवार को पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आगे आपको बताते चलें, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे भागों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने की संभावना है। उधर उत्तराखंड में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर होने के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब में उमस वाली गर्मी होगी, जबकि इस सप्ताह के आखिर में यानी शनिवार से मौसम में सुधार होने और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। नतीजतन इस अवधि में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से व्यापक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बुधवार को असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई है। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। रोजाना मौसम की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।